तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो और आई होप टू एंजॉय माय वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ गाइस। और आप गाइस, हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं शिग्रा और राधे राधे, मतलब अपने भाई के साथ है। ये हमारा भाई है, ये गाड़ी चला रहा है और हम जा रहे हैं शिग्रा अभी वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी तो रास्ते में है, सब इंजॉय करो यहाँ पर। पापू जिम्मेदार, पापू तेरे करके मैं तेरा पिंड हो गया, लौंडा गाड़ी चला रहा है। तो गाइस, हम अभी अब पहुंचे हैं कहाँ पे, सिद्धगिरी बाग पहुँचे हैं और अभी थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो आप इंजॉय करिए व्लॉग्स को, बहुत चोरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। और अभी सिद्धगिरी बाग है और अभी बहुत दूर जा रहा है यार। और ये वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता, पापा तो पूरा ब्लॉग देखेगा वैक्सीनेशन के लिए। और दुर्गा पूजा इस बार मैं नहीं घूमने गया क्योंकि मेरा मन नहीं था, मेरा मूड ख़राब था तो मैं नहीं गया। और नेक्स्ट ईयर पक्का जाऊँगा। यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरा अपना थोबड़ा दिखाने के लिए ओपन किया था। तो गाइस, मुझे सिगरा पहुँच गया मैं और मुझे थोड़ा सा दूर जाना था सिगरा स्टेडियम। कितने लोगों को पता है बताना कमेंट में सिगरा स्टेडियम कहाँ है। बनारस में जो होंगे उनको पता होगा। तो बस वहाँ पे मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना था, वहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में और आप देखते रहो। तो गाइस, और यहाँ पे मेरा वैक्सीनेशन भी हो चुका है। वहाँ पे शूट करना मना था और उसके बाद हम लोग ने सोचा यहाँ से निकलेंगे। फिर यहाँ से हम लोग ने बात बात किया थोड़ा अपने में और फिर बाय कहते हुए मैं कैमरा। तो गाइस, हम वहाँ से निकल गए और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा काम से, वो पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। और थोड़ा पब्लिक प्लेस पे हम लोग को शूट करना डर लगता है, इसलिए हम शूट नहीं करते हैं, मतलब वॉइस वाला रिकॉर्डिंग बाद में एडिट करके डालते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो भी डर ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ देखो पेट्रोल टंकी दिख गया और इसको अब पेट्रोल टंकी जाना है भरवा। गाइस, ये लौंडे ने 20 रुपए की अपनी राम दुलारी पे तेल डलवाया है और ये 20 रुपए की तेल ने सुबह 200, अच्छा गाइस, इस लड़के ने, हमारे भाई ने 200 का कल अपनी गाड़ी में तेल डलवाया था। और ये पूरा मतलब हमारे बनारस में जितना दुर्गा पूजा का पंडाल था सब घूम के आया ये। तो गाइस बढ़िया है, इसकी गाड़ी एवरेज भी अच्छा देती है। हाँ मानता हूँ थोड़ी पुरानी है बट बढ़िया देती है। तो अच्छा है, लौंडा हीरो है अपना, माफिया। गाइस, हम अपने भाई के गाड़ी में तेल डलवा चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा अराउंड मारने और कुछ खाने पीने। तो आप इंजॉय करते रहो व्लॉग्स, बने रहो व्लॉग्स में। अगर बकचोदी चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या बकचोदी हो रही है, क्या क्या हो रही है अभिषेक, बकचोदी है। बिटे फिंगर मत दिखावे भाई, स्ट्राइक स्ट्राइक पड़ जाएगा। सॉरी गाइस, बकचोद जाते थे भाई, सॉरी भाई, मजा आ। कहाँ भूख लग रहा, कुछ खिलाओ, पता कहाँ खाए के गए, समोसा मोसा देख। अरे भाई भाई, बहुत होगा, भूख लगा ला मुझे, वैसे रोका अभी पिए क्या, रुको पिए। तो गाइस, हमने लस्सी पिया वहाँ रुक के, बहुत ही भूख प्यास लगी थी। वहाँ लस्सी की दुकान दिखी तो हम लोग लस्सी पिया, फिर वहाँ से हम लोग एक पंडाल की तरफ आए। तो ये पंडाल है, बहुत अच्छा है पंडाल है। तो
तो ये पंडाल देखा हमने, पंडाल आप देखो एंजॉय करो, और कुछ भगवान से मैंने मांगा है वो पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी, मैंने बहुत अपने दिल से मांगा है माता जी से, देखो पूरी करते, जय माता दी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमने दूसरा पंडाल देखा गाइस, उसके बाद ये पंडाल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी पंडाल था ये, मेरे पुराने घर के पास पंडाल है वहाँ पे है पंडाल ये। और उसके बाद हम बाइक लिए, फिर उसके बाद हम वहाँ से अपने घर की तरफ निकले और देखते रहे। गाइस वहाँ पे बहुत शोर शराबा था, मैंने इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड किया था बट वो अच्छे से हुआ नहीं, इसलिए मैं वापस से बोल रहा हूँ कि हम अभी जा रहे हैं घर की तरफ, अपना ये पांडरवा होते हुए चेतना जोते हुए जगदगन जाएंगे क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन है। और मेरा भाई बाइक अच्छी चला रहा है और ये कहना था, और यहाँ पे मैं अपने बाल फेस पे आके मतलब फेस कर रहा था, बाल एकदम देख रहे आप ख़राब हो चुके हैं पूरे तरीके से, और हम बहुत थक गए थे और मेरा हाथ भी पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा बहुत होता है पेन। और फिर हम घर तो बस पहुँचने वाले थे थोड़ा देर में, तो गाइस मैं वैक्सीन लगा के आ चुका हूँ और थोड़ा थक गया था और थोड़ा हाथ में हल्का हल्का पेन है, मतलब बहुत कम है लेकिन पेन है अभी भी थोड़ा सा, देखो कब तक सही होता है। और मैं अभी आया जैसे जैसे लेटा हूँ अपने रूम में और देखो क्या होता है गाइस। ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूँ, कल मैं आपसे ये ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है बाय। और कल कैसा होता है, कल जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा कि फीवर आएगा कि नहीं आएगा। अगर फीवर आता है तो फिर हाँ, वो फीवर आता है तो फिर वो दवा खा लूँगा, अगर नहीं आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, बाय।